हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। अल्फा इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, जो कि आपका संस्कृत का दूसरा लेसन है। और आपको मैंने पहले लेसन में ही बता दिया है कि कितने नंबर से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि आपको पता ही है कि 5 नंबर का अनुवाद गद्य से दिया जाता है, आपको 5 नंबर का पद्य से। और जो भी पद्यांश या गद्यांश दिया रहेगा उसका आपको संदर्भ लिखना रहता है, जिससे आपको 2-2 नंबर मिलते हैं। तो पूरी तरह से 7 और 7 नंबर मतलब हो जाते हैं आपके 14 नंबर, जो कि आपको संस्कृत से मिलते हैं। तो अगर आपने संस्कृत के 7 लेसन में से अच्छे से पढ़ लिए हैं उसको, तो आपके 14 नंबर बहुत ही आसानी से बन जाएंगे, जो कि बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है। ठीक है, तो चलिए, आ चुके हैं बहुत सारे लोग। सभी को गुड आफ्टरनून। तो आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। तो आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, इसका मतलब क्या हो जाता है कि आत्मा ही क्या है, सर्वज्ञ है, सब कुछ है। आत्मा कैसी है? आत्मा ही सब कुछ है। तो ये याज्ञवल्क्य के हैं, याज्ञवल्क्य ऋषि हैं। वो अपनी पत्नी से बात करते हैं या उनको समझाते हुए वे बताते हैं, उन्हीं के माध्यम से ये बताया गया है। क्या लिखा गया है कि याज्ञवल्क्यो मैत्रेयी मुवाच, मैत्रेयी उद्यास्यने अहम अस्मात् अस्थानाम दशमी। तो याज्ञवल्क्यो मतलब याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से, ये मैत्रेयम और ये हो जाएगा उवाच। उवाच का अर्थ होता है कहा या फिर बोला। तो याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से कहा, मैत्रेयी, हे मैत्रेयी, संबोधनवाचक चिन्ह लगा हुआ, हे मैत्रेयी उद्यासनम मतलब मैं ऊपर उठ रहा हूँ, अहम मतलब मैं, उद्यासनम ऊपर उठ रहा हूँ, अस्मात् मतलब अपने, अस्थानाद अस्मि अपने स्थान से, हे मैत्रेयी मैं अब अपने स्थान से ऊपर उठ रहा हूँ। मतलब कि अभी मैं गृहस्थ आश्रम में हूँ, अब जल्दी ही मैं सन्यास आश्रम में प्रवेश लूँगा। 4 आश्रम होते हैं आपके, ठीक है। तो जल्दी ही मैं अब गृहस्थ आश्रम से दूसरे आश्रम की तरफ, सन्यास आश्रम की तरफ जा रहा हूँ। मैं ऊपर की तरफ उठ रहा हूँ मतलब गृहस्थ आश्रम को त्याग कर सन्यास आश्रम की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है। तो कहते हैं ततस्तय अनया कात्यायनया विच्छेदम करवाणी इति ततस्तनय, अतः मैं, अनया मतलब कि तुम्हारा, दोनों का, कात्यायन मतलब कात्यायनी से, विच्छेदम मतलब विच्छेद करवा देता हूँ, बंटवारा करवा देता हूँ, करवाणी मतलब करवा देता हूँ, अतः मैं तुम्हारा कात्यायनी से विच्छेद करवा देता हूँ। ततस्त मतलब अतः मैं तुम्हारा कात्यायनी से विच्छेद करवा देता हूँ मतलब बंटवारा करवा देता हूँ। अभी इनकी दूसरी पत्नी थी। तो याज्ञवल्क्य क्या कहते हैं, याज्ञवल्क्य मैत्रेयी मुवाच, याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से कहा, मैत्रेयी, हे मैत्रेयी उद्यासनम मैं ऊपर उठ रहा हूँ, अहम का अर्थ है मैं, अस्मात् मतलब अपने, अस्थानाद अस्मि स्थान से, हे मैत्रेयी मैं अपने स्थान से अब ऊपर उठ रहा हूँ, अर्थात मैं गृहस्थ आश्रम से अब सन्यास आश्रम के में प्रवेश ले रहा हूँ। अतः इसमें असना, अतः मैं अनया मतलब मैं तुम्हारा, उससे, अन्य से, किससे, कात्यायनी से, विच्छेदम करवाणी इति, अतः मैं तुम्हारा कात्यायनी से विच्छेद करवा देता हूँ। मैत्रेयी मुवाच, मैत्रेयी ने कहा, यदि अयम सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्णः स्यात्, मैत्रेयी ने कहा यदि सब, सर्वा मतलब पूरी, संपूर्ण, पृथ्वी वित्तेन वित्त से पूर्ण हो, धन से पूर्ण हो, या तो क्या इससे संपूर्ण पृथ्वी धन से पूर्ण हो, यदि संपूर्ण पृथ्वी धन से पूर्ण हो, तब किम तब क्या, तेन अमृताम अस्यामिति तब क्या उससे, अहम मतलब मुझे, अमृता मतलब अमृत की, अस्यामिति तो क्या मुझे तब अमृत की प्राप्ति हो जाएगी। तो मैत्रेयी ने उनकी बात सुनकर के कहा, यदि यम यदि संपूर्ण सर्वा पृथ्वी संपूर्ण पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात्, संपूर्ण पृथ्वी वित्त से पूर्ण हो मतलब धन से पूर्ण हो, तब किम मतलब क्या, तेन मतलब होता है उससे, तेन अहम उससे मुझे, अमृताम अमृत प्राप्त हो जाएगा, अमरता प्राप्त हो जाएगा। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य ने कहा, नीति ना इति ऐसा नहीं है, याज्ञवल्क्य ने कहा, क्या कहा कि ऐसा नहीं है। याज्ञवल्क्यो मैत्रेयी मुवाच, याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से कहा, हे मैत्रेयी उद्यासनम ऊपर उठ रहा हूँ, अहम मैं, अस्मात् मतलब अपने, स्थानादस्मि अपने स्थान से, हे मैत्रेयी मैं अपने स्थान से ऊपर उठ रहा हूँ, ततस्य अनया कात्यायनीं विच्छेदः करवाणी, अतः मैं तुम्हारा कात्यायनी से बंटवारा करवा देता हूँ। मैत्रेयी वाच, मैत्रेयी ने कहा, यदि यम सर्वा पृथ्वी यदि पूरी पृथ्वी वित्तेन पूर्णा वित्त से धन से पूर्ण हो, तत् तब किम क्या तेन अहम, उससे मुझे अमरता की प्राप्ति होगी। यदि संपूर्ण पृथ्वी धन से परिपूर्ण हो जाए तो क्या मुझे इससे अमरता की प्राप्ति हो जाएगी। तो याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य ने कहा नेति, नहीं ऐसा नहीं है। याज्ञवल्क्य ने कहा ऐसा नहीं है। अथैव मतलब अथैव उपकार वताम जीवनम तथैव ते जीवनम स्यात्। अथैव का मतलब ऐसा, तथैव मतलब वैसा। तो अथैव उपकरणवातम, तो ऐसा तुम्हारा जीवन उपकरणों वाले की तरह मतलब साधन संपन्न लोगों की तरह तुम्हारा जीवन, जीवनम मतलब जीवन हो जाएगा। तथैव ते जीवनम स्यात्, वैसा ही तुम्हारा जीवन हो जाएगा। तो जैसा साधन संपन्नों का जीवन होता है वैसा ही तुम्हारा जीवन हो जाएगा। तथैव का अर्थ होता है वैसा और इसका अथैव का अर्थ होता है जैसा। तो जैसा उपकरण वालों का जीवन होता है मतलब साधन संपन्नों का, जिसके पास धन होता है अधिक, वैसा जीवन भी तुम्हारा हो जाएगा। अमृतत्व अस्य तु नास्ति वित्तेन इति, कह रहे हैं अमृतत्व अस्तु, अमरता का तुमसे अमरता का ना अस्ति नहीं है। या वित्तेन इति, अमरता का संबंध धन से नहीं है या अमरता धन से प्राप्त नहीं हो सकती है। स मैत्रेयी उवाच, तब मैत्रेयी ने कहा ये नायहम, उससे मुझे नामृतम स्यात्, उससे मुझे यदि अमरता नहीं मिलेगा। किम हम क्या करूंगी, तेन मतलब उसका, कुर्याम तो मैं उसका क्या करूंगी। किम मतलब क्या, अहम का अर्थ है मैं, तेन मतलब उसका, कुर्याम करूंगी तो मैं उसका क्या करूंगी। तो याज्ञवल्क्य ने कहा नहीं ऐसा नहीं है। यथैव वैसा, जैसा ही साधन संपन्नों का जीवनम जीवन हो जाता है, तथैव मतलब वैसा, ते मतलब तुम्हारा, जीवनम स्यात् तुम्हारा भी जीवन हो जाएगा। अमृतत्व अमृत तत्व का तो ना अस्ति वित्तेन इति, अमृत तत्व का अमरता से कोई संबंध नहीं है या अमृत तत्व से अमरता नहीं मिलती है, सॉरी अमृत तत्व से वित्त धन नहीं मिलता है या अमृत तत्व का धन से कोई संबंध नहीं है, धन से अमृत तत्व तुम्हें प्राप्त नहीं होगा। तब मैत्रेयी ने कहा येन, उससे अहम मुझे ना अमृतम अमरता नहीं मिलेगी, उससे मुझे अमरता नहीं मिलेगी। किम अहम तो मैं उसका, कुर्याम क्या करूंगी, तो मैं तेन मतलब उसका, तो मैं उस धन का क्या करूंगी। यदि वह मुझे अमरता प्रदान नहीं कर सकता तो मैं उसे लेकर क्या करूंगी। यदेव यदि एव भगवन, हे भगवन, यदि केवलम अमृत तत्वम साधनम जानाति, यदि आप केवल अमृत तत्व का साधन जानते हैं। तदेव तो मैं ब्रूहि, मैं मतलब मुझे, ब्रूहि मतलब कहिए। हे भगवान यदि आप अमृत तत्व का, केवल अमृत तत्व का साधन जानते हैं तो वह मुझे बताइए। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य ने कहा प्रिया ना सती, हे सती तुम प्रिय नहीं हो, त्वाम प्रियाम भाषसे, तुम प्रिय बोलती भी हो। एहि इधर आओ, उपविश, उपविश का अर्थ होता है बैठो, इधर बैठो। एहि मतलब इधर और उपविश का अर्थ होता है बैठो। व्याख्या सॉरी इधर व्याख्या अस्यामि ते अमृत तत्व साधनम, मैं तुम्हें अमृत तत्व के साधन की व्याख्या करता हूँ। ठीक है, तो अथैव उपकारणामृतम, वैसा ही जैसा जीवन साधन संपन्नों का हो जाता है, तथैव वैसा ही ते जीवनम स्यात्, तुम्हारा भी जीवन हो जाएगा। अमृत तत्व से अमृत तत्व का नास्ति, कोई संबंध नहीं है। वित्तेन वित्त से, धन से, तो धन से अमृत तत्व का कोई संबंध नहीं है या धन से अमृत तत्व नहीं मिलता है। स मैत्रेयी उवाच, तब मैत्रेयी ने कहा ये नाय हम, यदि वह, एन मतलब वो या फिर उसे, मैं हम मतलब मैं, ना अमृतम यदि उससे मुझे अमृत नहीं मिलेगा, ना मतलब नहीं, अमृता मतलब अमृत तत्व, यदि मुझे उससे अमृत नहीं मिलेगा। किम अहम तो क्या करूंगी, तो मैं क्या करूंगी, तेन मतलब उसका, कुर्याम करूंगी तो मैं उसका क्या करूंगा करूंगी। यदि मुझे उससे अमृत तत्व नहीं मिलेगा तो मैं उसका क्या करूंगी। यदेव यदि भगवान, हे भगवान यदि केवलम केवलम अमृत तत्व साधनम, केवल यदि आपको अमृत तत्व का साधन जानाति जानते हैं। हे भगवान यदि आप अमृत तत्व का, केवल अमृत तत्व का साधन जानते हैं। तदेव तो मैं ब्रूहि, तो वह मुझे बताइए। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य ने कहा प्रिया ना सती, प्रिया न सती त्वम प्रियम भाषसे, हे सती तुम प्रिय ही नहीं हो, तुम मेरी प्रिय ही नहीं हो। त्वम प्रियम भाषसे, तुम प्रिय बोलती भी हो। एहि इधर उपविश मतलब बैठो। व्याख्या अस्मि, मैं व्याख्या करता हूँ। ते अमृत तत्व साधनम, मैं तुम्हें अमृत तत्व के साधन की व्याख्या करता हूँ। ठीक है, चलिए, तो ये दिया है आपका संदर्भ और ये दी है इसकी व्याख्या। अब अगला पैराग्राफ देखिए क्या लिखा, याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य ने कहा, ना व अरे मैत्रेयी, ना व मतलब ना ही, अरे मैत्रेयी हे मैत्रेयी, ना ही पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवति, ना ही पति की कामना के लिए पति प्रिय होता है, आत्मनावस्तु अपनी, वह बल्कि, वह का अर्थ होता है बल्कि, बल्कि वह कामाया पति प्रियो भवति, किसकी कामना के लिए, आत्मना अस्तु, बल्कि वह अपनी कामना के लिए, बल्कि अपनी कामना के लिए पति प्रिय होता है, ना ही पति पति की कामना के लिए प्रिय होता है, बल्कि वह अपनी कामना के लिए प्रिय होता है, ना वह अरे और ना ही जायाया कामाया जाया प्रिया भवति, जाया का अर्थ होता है पत्नी, और ना ही पत्नी की कामना के लिए पत्नी प्रिय होती है, ना ही पत्नी की इच्छा के लिए पत्नी प्रिय होती है, वह बल्कि आत्मनावस्तु अपनी कामना के लिए कामाय मतलब कामना के लिए जाया प्रिया भवती, बल्कि अपनी ही कामना के लिए पत्नी प्रिय होती है, और ना वह अरे और ना ही पुत्रस्य वित्तस्य, ना ही पुत्र और धन लगा है, और ना ही पुत्र और धन की कामाय कामना के लिए पुत्रो वित्तो वा प्रिया भवति, और ना ही पुत्र और धन की कामना के लिए पुत्र और वित्त पुत्र और धन प्रिय होते हैं, आत्मनावस्तु वै कामाया पुत्रो वित्तम वा प्रिया भवति, आत्मनावस्तु मतलब अपनी, बल्कि वह का अर्थ हो गया बल्कि, बल्कि अपनी कामना के लिए पुत्र और वित्त पुत्र और धन प्रिय होते हैं, और ना व अरे और ना ही सर्वस्य कामाय सर्वा प्रिया भवति, ना ही सभी की कामना के लिए सभी प्रिय होते हैं, बल्कि वह का अर्थ हो गया बल्कि आत्मनावस्तु कामाय बल्कि अपनी कामना के लिए सर्व प्रिया भवति सब कुछ प्रिय होता है, ठीक है, बल्कि अपनी कामना के लिए सब कुछ प्रिय होता है, तस्माद मतलब होता है तस्माद आत्मा वै अरे मैत्रेयी दृष्टव्यः दर्शनार्थ श्रोतव्यम मंतव्यः निधिध्यासन अश्च आत्मनः खलु दर्शनेन इति सर्वं विदितं भवति, खलु मतलब निश्चित, निश्चित ठीक है, निश्चित रूप से, खल मतलब निश्चित, तो क्या हो गया, तो अतः तस्माद मतलब अतः, अतः आत्मा व अरे अतः आत्मा ही हे मैत्रेयी आत्मा ही दृष्टव्य दृष्टि के योग्य है, देखने के योग्य है, दर्शनार्थ दर्शन करने के योग्य है, और श्रोतव्य सुनने के योग्य है, मंतव्य मनन करने के योग्य है, और निधिध्यासन और नित्य ही ध्यान करने के योग्य है, अश्च लगा है यहाँ पर च छिपा हुआ है जो यहाँ पर आके अथवा और बन जाएगा, और वह क्या है, और वह नित्य ही ध्यान करने के योग्य है, आत्मनः खलु आत्मा निश्चित रूप से दर्शनेन दर्शन कर आत्मा के निश्चित रूप से आत्मा के दर्शन से इति सर्वः विदितं भवति हमें सब कुछ विदित हो जाता है, हमें सब कुछ ज्ञात हो जाता है, ठीक है। एक बार देख लीजिए क्या लिखा है, याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य ने कहा, न व अरे मैत्रेयी, अरे मैत्रेयी पहले लिखेंगे, अरे मैत्रेयी ना वह ना ही पत्यो कामाय पति प्रियो भवति, ना ही पति की कामना के लिए मतलब पति की इच्छा के लिए पति प्रिय नहीं होता है, आत्मनावस्तु वह कामाया पति प्रियो भवति बल्कि अपनी कामना के लिए पति अपनी इच्छा के लिए स्वयं की इच्छा के लिए पति प्रिय होता है, और वैसे ही ना वा जायजा कामाया जाया प्रिया भवति, वैसे ही ना ही जायजा पत्नी की कामना के लिए जाया प्रिया भवति पत्नी प्रिय होती है, आत्मनावस्तु है बल्कि वह अपनी कामना के लिए पत्नी प्रिया भवति जाया प्रिया भवति बल्कि अपनी कामना के लिए पत्नी प्रिय होती है, और न वा अरे और ना ही पुत्रस्य वित्तस्य च कामाय पुत्रो वित्तम वा प्रिया भवति, और ना ही पुत्र की वित्त से वित्त की कामाय मतलब कामना के लिए पुत्र और वित्त पुत्र और धन प्रिय होते हैं, ना ही पुत्र और धन की इच्छा के लिए पुत्र और धन प्रिय होते हैं, बल्कि वह का अर्थ हो गया बल्कि आत्मनास्तु बल्कि अपनी कामना के लिए पुत्र और धन वा प्रिया भवति पुत्र और धन दोनों प्रिय होते हैं, ना वहारे और इसी प्रकार से ना ही सर्वस्य कामाय सर्वा प्रिया भवती, ना ही सभी की कामना के लिए सब कुछ प्रिय होता है, ना ही सर्वस्य मतलब संपूर्ण की कामना के लिए सर्वा प्रिया भवती संपूर्ण प्रिय होता है, सब कुछ प्रिय होता है, बल्कि वैकार्थ हो गया, बल्कि आत्मना वस्तु, बल्कि वह सब कुछ हमारी अपनी इच्छा के लिए वह सब कुछ प्रिया भवती सब कुछ प्रिय होता है। तस्माद अर्थात या फिर कहें तो अतः हे मैत्रेयी आत्मा, अतः आत्मा व अरे आत्मा ही क्या कर रहे हो गए, अतः मैत्रेयी लगा है यहाँ पर, ठीक है। तो अतः मैत्रेयी आत्मा ही दृष्टव्य है दृष्टि देखने के योग्य है, दर्शनार्थ दर्शन करने के योग्य है, श्रोतव्य है श्रोत सुनने के योग्य है, और मंतव्य मनन करने के योग्य है। लगा है और नित्य ध्यासनास्त और नित्य ध्यान करने के योग्य है। आत्मनः खलु दर्शनेन निश्चित ही आत्मा के दर्शन से इदम सर्वा विदितम भवति हमें सब कुछ ज्ञात हो जाता है, हमें सब कुछ विदित हो जाता है, ठीक है। तो निश्चित ही आत्मा के दर्शन करने से हमें सब कुछ विदित हो जाता है, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए, तो छोटा सा लेसन था आपका, तो आपका ये आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ है, आत्मा ही सब कुछ है, ये वाला चैप्टर आपका खत्म हो जाता है। हम फिर मिलेंगे अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू सो मच। चलिए।